फाइल चेंज कर देंगे। तो कल के पृष्ठ में है, जरा पहचानो तो ईश्वर को। कल का पृष्ठ सरल है, 16 अप्रैल का, और आज 17 अप्रैल है। तो महर्षि कह रहे हैं कि ये मतलब सात पृष्ठ क्रम से ज्ञान विज्ञान योग में से सातवें अध्याय में से गीता के। तो आज वाला मतलब ये 16 अप्रैल वाला, ये भी ज्ञान विज्ञान योग में से 151, 152, 153, 154। देखो ईश्वर का दर्शन क्या विलक्षण है, कहीं छुपा हुआ नहीं है ईश्वर, ईश्वर बिल्कुल प्रकट है। हमको अपने बचपन की याद है, एक महात्मा के पास हम लोग जाते थे गंगा किनारे, वह सिद्ध माने जाते थे, जाने पर गाली भी देते थे। तो महर्षि सुना रहे हैं कि एक व्यक्ति वो महात्मा के पास आया, महर्षि मतलब संतन बिहारी द्विवेदी के रूप में, क्योंकि महर्षि जब गांव में थे तो उस समय की बात है, तो हम लोग वहीं थे। अच्छा, पूछा उसको, जो व्यक्ति आया उसको, महात्मा ने कि काय के लिए आए, क्या काम है? उसने कहा कि हम भगवान का, ईश्वर का दर्शन करना चाहते हैं। तो महर्षि पहले ही कह दिए कि वो सिद्ध थे और गालियाँ देते थे, तब उन सिद्ध महात्मा ने गाली देना शुरू कर दिया। और वो जो व्यक्ति आए वो भी पक्का था, बैठ गया, बोला मैं तो बिना ईश्वर के दर्शन किए जाऊंगा ही नहीं। और महर्षि कह रहे हैं कि एक दिन, दो दिन, तीन दिन बैठा रहा बिना खाए बिना पिए, गजब हो गया। अब महात्मा जी को लीला तो करनी थी, तो आगे क्या लीला करी, वो गंगा जी का किनारा, वो मैदान, फिर तो बाबा ने उठाया डंडा और बोले भाग जा यहाँ से, है ना, जितना ईश्वर तुझको दिखता है उसकी क्या पूजा तूने की है, क्या सत्कार किया है, उनकी कौन सी आराधना की है कि जो नहीं दिखता है वो अब तेरे सामने दिखने को आवे। तो ईश्वर दिखता है मतलब क्या, खुद ही बाबा बोले देख ये सूर्य है कि नहीं, कि है। अच्छा, भगवान ने खुद कहा है गीता में, प्रभास में शेष सूर्य, गीता में सूर्य में प्रभा मैं हूँ। तो जब भगवान ने कहा है कि सूर्य में प्रभा मैं हूँ, इसका मतलब सूर्य में भगवान है ही है। अब ये सूर्य की प्रभा चमक तो दिन भर देखता रहता है, कभी तेरे मन में ये आता है कि ये ईश्वर है, आओ इसको हाथ जोड़े, इसको सिर झुकावे, सूर्य की रोशनी में कोई बुरा काम न करे, ईश्वर देख रहा है, सूर्य की रोशनी में किसी को बुरी बात न कहें, किसी के प्रति बुरा भाव न करें, किसी की बुराई न करें, कभी सूर्य की रोशनी का सत्कार किया है? तो बाबा ने जो ये बात पूछी उसको कि जितना ईश्वर तुझको दिखता है ऊपर कहा है, उसकी क्या पूजा तूने की है, क्या पूजा तूने की है, क्या सत्कार किया है, उनकी कौन सी आराधना की है? तो ईश्वर को क्या पड़ी है कि वो अब तेरे सामने दिखने को आवे, जो दिख रहा है जिस रूप में उसका ही तू सत्कार नहीं कर रहा है, तो दूसरे रूप में वो तेरे सामने आवे, उसको ईश्वर को ऐसे क्या पड़ी है? और इतना ही नहीं, वो डंडा लेके आए तो डंडा चला भी दिया, ये कहते हुए वो डंडा मारा, ये कहते हुए वह डंडा मारा बाबा ने कि उसका तो मानो तीसरा नेत्र ही खुल गया, विराट के रूप में उसे ईश्वर का दर्शन होने लगा। तो कल के पृष्ठ में महर्षि अंत में जो बात कह रहे हो बहुत महत्वपूर्ण है, आखिरी पैराग्राफ में, सचमुच स्थिर पदार्थों में वह धरती बनकर बैठा हुआ है, कौन, ईश्वर, है ना। ये धरती स्थिर है तभी तो हम उस पर आराम से चल फिर लेते हैं, है ना, भूकंप आता है कितना गड़बड़ हो जाती है। तो स्थिरता जो है वो ठाकुर जी की है धरती में। तो सचमुच स्थिर पदार्थों में वह धरती बनकर बैठा हुआ है। अच्छा, बहते हुए पदार्थों में ईश्वर का देख, ईश्वर को देखना हो तो जल को देख लो, है ना। अच्छा, जलने वाले पदार्थों में अग्नि है, स्वयं अग्नि का स्वरूप ईश्वर है, इसीलिए तो हवन करते हैं अग्नि में। और चलते हुए पदार्थों में वह वायु है, वायु को देवता मानते ही हैं, है ना, पवन सुत हनुमान की जय, वायु देवता के पुत्र हैं हनुमान जी, तो वायु स्वयं भगवान है। और आकाश है ना, हम सब लोग बैठे हुए हैं आकाश में, तो सबको धारण करने वाले पदार्थों में ये ईश्वर का स्वरूप है आकाश।
आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, पांचों भूत गिना दिए महर्षि ने। अब अपने में देखो, हमारी इंद्रियों में वही संकल्प करने वाला मन होकर बैठा हुआ है, तो इंद्रियां और मन जो है ये कैसे चलते हैं? तो ईश्वर ही इनको चलाता है। ईश्वर अगर संकल्प करने वाला ना हो, है ना, व्यक्ति गड़बड़ा जाए तो आगरा भेज देते हैं इलाज के लिए, क्यों नहीं ठीक नहीं हो रहा है। ईश्वर जब तक है ना, तब तक सब ठीक है। हमारी इंद्रियों में वही संकल्प करने वाला मन होकर बैठा हुआ है। इतना ही नहीं, वह निश्चय करने वाली बुद्धि है, कौन, ईश्वर। और महर्षि कह रहे हैं इतना ही नहीं, अरे मृत्यु के रूप में भी वही आता है। तो मृत्यु के रूप में वो क्यों आता है? क्योंकि मृत्यु तो हमको अच्छी नहीं लगती। तो जैसे कपड़ा जीर्ण हो जाता है तो हम लोग वो कपड़ा बदल देते हैं, उसको हटा के नया पहनते हैं। तो ऐसे ही जब हमारा इस शरीर का प्रारब्ध पूरा हो जाता है, यानी वो कपड़ा प्रारब्ध जो है वो कब पूरा होगा इसकी कोई वो डेट नहीं है, है ना। तो इसलिए हर एक व्यक्ति के प्रारब्ध, शरीर का प्रारब्ध अलग अलग है। तो वो जब कपड़ा जीर्ण हो जाता है तो उसको हटा रहे हैं। मृत्यु का अर्थ कोई घबराने की बात थोड़ी है। 84 लाख ड्रेसेज रखी है भगवान ने पहले से ही हर एक जीव के लिए तैयार, है ना। तो इसलिए मृत्यु के रूप में भी वही आता है, ईश्वर ही आता है, और वही अच्छा वही बुरा, वही मृत्यु वही अमृत बनकर आता है। तो अच्छा वाला तो हमको अच्छा लगता है, और बुरे रूप में क्यों? ईश्वर बुरे रूप में क्यों? तो वही बुरा का मतलब यह है कि हमारे जो है ना गलत कर्म है, तो उस रूप में जब आएगा, रुद्र रूप है उसका, तो रुद्र रूप से वो हमको जो है हमारी खबर लेता है, क्योंकि नहीं तो हम बिगड़ जाएंगे ना। जैसे बच्चे बिगड़ जाते हैं प्यार में, वैसे हम भी अगर भगवान का रुद्र रूप नहीं होगा तो हम भी बिगड़ जाएंगे। इसलिए उनको रुद्र रूप भी अपना दिखाना पड़ता है। तो वही, उसी को हम लोग बुरा कहते हैं हमारी भाषा में, है ना। और उनकी वो करुणा है, उनके वो हित है, हित भावना है कि भाई ये सुधरेगा। तो वो भी उनका रूप है, अच्छा रूप। तो हमको हमेशा उसके लिए तो हम लोग तैयार रहते हैं, मृत्यु के लिए भी हम तैयार नहीं है। तो महर्षि समझा रहे हैं कि वही मृत्यु है, वही अमृत बनकर आता है। तो इतना विशाल, इतना विराट, इतना सर्वात्मक स्वरूप ईश्वर का प्रकट हो रहा है, तो जरा पहचानो तो ईश्वर को। तो ठीक है, ये कल का जो पृष्ठ है 16 अप्रैल का, वो एक दिन बीच में